Hello students, welcome to Katyayan Academy and today we are going to take an overview of chapter Sexual Reproduction in Flowering Plants. इस chapter में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, इस overview से आपको एक flow chart मिल जाएगा कि हमें क्या क्या topics को पढ़ना है. So let's start. बच्चों, Sexual Reproduction in Flowering Plants, यानी कि Flowering Plants यानी Angiosperms में Sexual Reproduction कैसे होता है, आज हमको ये पढ़ना है. और इसको समझने के लिए बच्चों हमने इस chapter को तीन category में divide कर दिया है. पहला है हमारा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, दूसरा होगा हमारा फर्टिलाइजेशन इवेंट और तीसरा होगा हमारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट. प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट का मतलब होता है जो फर्टिलाइजेशन के पहले होंगे, फर्टिलाइजेशन जो प्री फर्टिलाइजेशन के बाद होंगे यानी कि फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, एंड फर्टिलाइजेशन के बाद के इवेंट्स को बोल देंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट. अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट. बच्चों, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में हमें क्या क्या पढ़ना होगा. प्री फर्टिलाइजेशन मीन्स फर्टिलाइजेशन के पहले, तो गैमेटोजेनेसिस और गैमेट ट्रांसफर आर द टू की इवेंट्स टेक्स प्लेस बिफोर फर्टिलाइजेशन, दैट इज इन केस ऑफ प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट. तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में हमको गैमेटोजेनेसिस पढ़नी है और साथ में पढ़ना है गैमेट ट्रांसफर. तो चलिए गैमेटोजेनेसिस में क्या पढ़ना होगा. गैमेटोजेनेसिस मीन्स गैमेट फॉर्मेशन, तो गैमेट फॉर्मेशन में पढ़ेंगे मेल गैमेट का फॉर्मेशन, फिर फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन. मेल गैमेट जो होता है वो मेल गैमेटोफाइट के अंदर होता है, फीमेल गैमेट फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर होता है. इस वजह से हमको डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट दैट इज पॉलिंग ग्रेन भी पढ़ना होगा और डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट भी हमको पढ़ना होगा, दैट इज फीमेल गैमेटोफाइट को क्या बोलते हैं, एम्ब्रोसाइक बोलते हैं, उसके डेवलपमेंट को भी पढ़ना पड़ेगा. फिर हम बच्चों डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट के बाद कि इनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस और स्ट्रक्चर कैसा होता है मेल गैमेटोफाइट का और फीमेल गैमेटोफाइट का, पॉलिंग ग्रेन के क्या क्या यूजेस होते हैं, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है. इसी तरह से हम ये भी देखेंगे कि एक मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट दैट इज 7 celled 8 nucleate कंडीशन कैसे बनती है. फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे बच्चों सेकंड स्टेप हमारा गैमेट ट्रांसफर का. गैमेट ट्रांसफर का मतलब होता है पॉलिनेशन. पॉलिनेशन का मतलब ट्रांसफर ऑफ पॉलिंग ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर, इट इज नोन एज पॉलिनेशन. और पॉलिनेशन के लिए जरूरत पड़ती है बच्चों पॉलिनेटिंग एजेंट्स की. पॉलिनेशन कई टाइप्स का होता है, हमें ऑटोगैमी भी पढ़नी होगी, इसमें जिटोनोगैमी भी पढ़नी होगी और ज़ीनोगैमी भी पढ़नी होगी. फिर हम डिस्कस करेंगे पॉलिनेटिंग एजेंट्स के बारे में, जो कि दो तरह के हो सकते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग के बेसिस पे हम दो तरह के एजेंट्स पढ़ेंगे, बायोटिक एजेंट्स और एबायोटिक एजेंट्स. जिसके बाद हम बच्चों पढ़ेंगे कुछ अडाप्टेशंस के बारे में कि फ्लावर्स में कुछ अडाप्टेशंस होती हैं ताकि इजीली उनके पॉलिंग ग्रेन्स एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक पहुंच जाएं. फिर फाइनली हम डिस्कस करेंगे बच्चों फर्टिलाइजेशन के बारे में. फर्टिलाइजेशन मींस फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन. बच्चों आप जानते हो इसको सिंगैमी भी बोलते हैं, सिंगैमी भी बोलते हैं, मींस गैमेट्स का फ्यूजन. समझ में आया. और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कैसे, हाउ डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन टेक्स प्लेस, एंड साथ ही साथ डिस्कस करेंगे एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है बच्चों एक फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर. और साथ में हम ये भी डिस्कस करेंगे बच्चों कि एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड कैसे होती है और जो पूरा सेल्स का जो अरेंजमेंट है, चाहे वो सिनर्जिड्स हो, चाहे वो पोलर न्यूक्लाई हो, चाहे वो एंटीपोलर्स हो, उस अरेंजमेंट कैसा होता है एम्ब्रियोसैक के अंदर, ये सब डिस्कस करेंगे हमारे फर्टिलाइजेशन के पहले. फिर हम डिस्कस करेंगे बच्चों हमारा थर्ड स्टेप है, दैट इज द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट. पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट का मतलब है कि फर्टिलाइजेशन के बाद अब क्या होगा, आप सोचिए, जाइगोट बन चुका होगा तो जाइगोट फॉर्मेशन हो जाएगा. फिर साथ में डिस्कस करेंगे बच्चों एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियो कैसे बनेगा. एम्ब्रियोजेनेसिस में डिस्कस करेंगे मोनोकॉट और डाइकॉट का एम्ब्रियो कैसे डेवलप करता है, दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ मोनोकॉट एंड डाइकॉट एम्ब्रियो. साथ में बच्चों हम डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट ऑफ मोनोकॉट एंड डाइकॉट सीड. मोनोकॉट डाइकॉट सीड में डिफरेंस क्या होता है, मोनोकॉट डाइकॉट सीड क्या होता है, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है. साथ में उसके बाद हम डिस्कस करेंगे बच्चों फ्रूट्स के बारे में, फ्रूट्स कैसे बनते हैं, पेरिकार्प क्या होती है, कितने टाइप के फ्रूट्स होते हैं, ट्रू फ्रूट फॉल्स फ्रूट्स, ये सब डिस्कस करेंगे. साथ में आखिरी में हम डिस्कस करेंगे सम स्पेशल मैकेनिज्म ऑफ रिप्रोडक्शन, जिसमें एपोमिक्सिस आ जाएगी बच्चों, पार्थिनोकार्पी आ जाएगी और पॉलीएम्ब्रियोनी आ जाएगी. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर दैट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस भी हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में. आई होप इस टॉपिक के थ्रू, इस वीडियो के थ्रू आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स का एक फ्लो चार्ट मिल गया होगा, एक ओवरव्यू मिल गया होगा कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स को एक के बाद पढ़ना है. Hey friends, if you want to see such more informative videos on different topics for classes 1 to 12, then subscribe at katyayanacademy.com right now.